हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। और आप सभी के लाए हुए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है जो चाइनीज़ स्मार्टफोन है वो मतलब कि इंडियन मार्केट में कोई स्मार्टफोन हिट हुए और कई स्मार्टफोन फ्लॉप हुए। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो स्मार्टफोन फ्लॉप हुए उनका मतलब कि रीज़न क्या है। तो दोस्तों, चलिए आज के टॉपिक को मतलब कि स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो है फ्लॉप स्मार्टफोन जो चाइनीज़ मार्केट के। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जियोनी के। दोस्तों, जो मतलब कि मैक्सिमम स्मार्टफोन्स इंडियन मार्केट में चाइनीज़ ही आते हैं बजट रेंज में। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ स्मार्टफोन ही मार्केट में आते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मतलब कि स्मार्टफोन मार्केट में आते हैं उसमें कई अदर कंट्रीज़ के स्मार्टफोन भी बजट रेंज में आते हैं। लेकिन दोस्तों, वो काफ़ी अलग टाइप के होते हैं। चाइनीज़ स्मार्टफोन मतलब कि किसी अलग टाइप के लिए जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों, आप जानते हो जियोनी। तो दोस्तों, जो जियोनी का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं उसको मतलब कि सबसे पहले जो उसकी स्पेसिफिकेशन थे वो काफ़ी अच्छे थे। लेकिन दोस्तों, जो स्पेसिफिकेशन को उसको किल किया वो था शाओमी का स्मार्टफोन। तो दोस्तों, जो जियोनी था वो शाओमी को टक्कर नहीं दे पाया। और जो जियोनी ने मतलब कि सोचा कि वो अपने जो अलग अलग से स्मार्टफोन बनाएंगे, जैसे कि दोस्तों सेल्फी फोन्स। तो दोस्तों, जैसे कि जो सेल्फी वाले फ़ोन्स होते हैं वो काफ़ी मतलब कि अलग है। जैसे कि ओप्पो और वीवो ने मतलब कि उसको वहाँ पर काफ़ी मतलब कि चैलेंज किया। और जो आज की डेट में जो जियोनी है वो मतलब कि ना सेल्फी के लिए जाना जाता और ना ही अपनी स्पेसिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, इस कारण जो जियोनी है वो काफ़ी मतलब कि अपने जो प्राइस है उसके 20,000 तक मतलब कि हाईएस्ट जाते थे और 25 तक भी कई स्मार्टफोन जाते थे। दोस्तों, वो वहाँ पर फ्लॉप हो गए। और आज की डेट में मतलब कि जियोनी को मतलब काफ़ी कम लोग कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जियोनी का मतलब कि सफ़र वहीं ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, अगर हम एग्जांपल लेने वाले हैं बहुत ही मतलब कि बहुत अच्छे स्मार्टफोन का, जो कि दोस्तों हमारे वहाँ मोटो का स्मार्टफोन था। दोस्तों, जो मोटो की स्मार्टफोन मतलब कि सबसे पहले जो गूगल कंपनी थी वो मतलब कि बनाती थी। दोस्तों, जैसे ही गूगल ने अपने स्मार्टफोन मतलब कि जो मोटो का ब्रांडिंग थी दोस्तों वो लेनेवो को दे दी। तो दोस्तों, लेनेवो ने मतलब कि उस स्मार्टफोन का तहस नहस कर दिया। और दोस्तों, उस स्मार्टफोन की जो भी फीचर्स थे दोस्तों उसे मतलब कि अपने मतलब कि जो लेनेवो के स्मार्टफोन थे वो मतलब कि मोटो की ब्रांडिंग करके उसे बेचते थे। और दोस्तों, जो मतलब कि लेनोवो के स्मार्टफोन थे दोस्तों वो काफ़ी मतलब कि अच्छे नहीं थे। और दोस्तों, उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलती थी। दोस्तों, इस कारण जो स्मार्टफोन मोटो के स्मार्टफोन भी मार्केट में उतने नहीं चले। लेकिन दोस्तों, जो शुरुआत में मोटो के स्मार्टफोन थे वो काफ़ी मतलब कि अच्छे थे जब गूगल ने उसे प्रेजेंट किया था। दोस्तों, जब गूगल के पास वो कंपनी थी तो दोस्तों वो काफ़ी मतलब कि अच्छे मतलब कि स्मार्टफोन बनाते थे। और आज की डेट में उसकी कोई मतलब कि वैल्यू ही नहीं है। और दोस्तों, जिसमें वो गूगल के पास से दोस्तों उसको मतलब कि टक्कर देने वाला भी कोई आस पास तक नहीं मतलब कि कोशिश करता था। तो दोस्तों, इस तरह से मोटो की जो सफ़र वहीं पर ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले लेनेवो के। दोस्तों, जो लेनेवो के स्मार्टफोन जो है वो मतलब कि उसने काफ़ी अच्छे बनाए थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मतलब कि शाओमी जैसे स्मार्टफोन्स ने उसे टक्कर दिया तो दोस्तों उसको मतलब कि काफ़ी बड़ा मतलब कि जो मार्केट शेयर था उसका काफ़ी बड़ा छीना गया। और दोस्तों, जो स्मार्टफोन उसके लेनेवो के थे दोस्तों वो काफ़ी मतलब कि जो वैल्यू थी उसकी वो कम हो गई। दोस्तों, आज की डेट में जब हम लेनेवो को सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप्स वगैरह के लिए जाने जाते हैं या फिर टीवी वगैरह के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो उसके स्मार्टफोन से दोस्तों वो अच्छे नहीं है। तो दोस्तों, इसके बाद हम जा रहे हैं एक सबसे बड़ी जो स्मार्टफोन ब्रांड का नाम शाओमी है। तो दोस्तों, आज की डेट में लगभग जैसे आप जानते हो कि शाओमी काफ़ी अच्छा ब्रांड है। लेकिन दोस्तों, शाओमी को भी आजकल की डेट में टक्कर मिल रही है। जैसे कि दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जो ओप्पो के स्मार्टफोन है सब ब्रांड है ओप्पो का, रियलमी तो, और दोस्तों जो एसुस का ज़ेनफोन मैक्स है। तो दोस्तों, जो शाओमी को मतलब कि इन दो स्मार्टफोन ब्रांड से काफ़ी बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों, जो ओप्पो के स्मार्टफोन है मतलब कि उसमें कैमरा अच्छा है और दोस्तों जो AI का उसमें ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, इस कारण मतलब कि जो Realme 1 या फिर Realme 2 Pro है दोस्तों वो काफ़ी मतलब की टक्कर देता है रेडमी के स्मार्टफोन को। और दोस्तों, उसके बाद जो एसुस के ज़ेनफोन मैक्स है तो दोस्तों वो काफ़ी मतलब कि अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, वो मतलब कि काफ़ी मतलब कि अच्छा स्मार्टफोन है और ना चाइनीज़ स्मार्टफोन है। दोस्तों, जो चाइनीज़ स्मार्टफोन मतलब कि लोग उतना प्रेफर करना पसंद नहीं करेंगे, जैसे
लेकिन दोस्तों जो एसुस के स्मार्टफोन को मतलब कि काफ़ी लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो स्मार्टफोन है वो चाइनीज़ नहीं है, तो दोस्तों इस कारण मतलब कि शाओमी को टक्कर मिल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे मेरे चैनल बीटेक में, आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद जय भारत दोस्तों।